हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मनी व्लॉग। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज पूरे 5 दिनों बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, जो अच्छा जो कि 5 दिन आपको पता होगा कि एक घटना घटित हुई उदयपुर में, तो उसी की वजह से 5 दिन इंटरनेट बंद था। तो अब जाके इंटरनेट आया। आज सुबह जैसे उठते ही देखा आज इंटरनेट आ गया, तो वीडियो अपलोड कर दिया। तो फिलहाल अभी जस्ट उठा हूँ, घड़ी 6 बजने को आई है। तो फिलहाल 5 दिन तक जब इंटरनेट गया था, 5 दिन में पूरी बुक पढ़ ली। तो 5 दिन में तो पूरा याद ही हो गया, पर इसीलिए याद किया, आज है मेरे पीटीटी का एग्जाम, जो कि मेन तो नहीं है एग्जाम, वैसे ही ये भी देना है, और 30 तारीख को BSTC का है, पर ये पीटीटी का भी आज देना है। तो आज जाना है कांकरोली एग्जाम देने के लिए, जो कि मेरा पास में आया था सेंटर। तो आज चलेंगे पीटीटी का एग्जाम देने के लिए। तो फिलहाल मैं तो आया खेत में, जो कि मम्मी फिलहाल उस तरफ काम कर रही है, जो कि आज तो फिलहाल मम्मी और पापा जाएंगे एक प्रोग्राम में, और हम और पूनम दोनों रहेंगे घर पे। तो आ जाओ, फिलहाल मैं तो आ चुका हूँ नीचे, जो कि अभी जाना है गाय को पानी पिलाने के लिए। तो फिलहाल पूनम अभी बर्तन धो रही है, बाल्टी धोना बरोबर। हाँ हाँ धोनी। तो भाई और फिलहाल देखो आसम भाई साहब, पूरे बादल आ चुके काले काले, क्योंकि बारिश होने की पूरी तरह से संभावना है, हो सकती है नहीं भी हो सकती। पहले मैंने बोला था बारिश नहीं होगी, पर एक बार हो भी गई, तो देखते हैं आज होएगी नहीं होगी। तो भाई फिलहाल अभी तो नहा के आ चुका हूँ, और अभी मैं खा रहा हूँ खाना, और अभी घड़ी बज चुकी है, दिखाई दे रही होगी घड़ी 10 बज चुकी है। तो अभी निकलते हैं, क्योंकि 11:30 बजे पेपर स्टार्ट होगा, और 11:15 बजे बाद तो अंदर जाने नहीं देंगे, तो इसीलिए 11 बजे पहुँचना है। एक बार खाना खा लेता हूँ, तैयार हो जाता हूँ, फिर चलते हैं। तो भाई जाओ, फिलहाल मैं तैयार हो चुका हूँ, क्योंकि नया टी शर्ट लिया था पहले, फिर नया टी शर्ट पहन लिया और जीन्स पहन डाल दिया। तो अभी चलते हैं, आज तो पूनम घर पे ही है, तो एक बार चलते सीधा वहीं पर। तो भाई अभी देखता हूँ, अगर एग्जाम में फ़ोन ले जाने दिया तो फ़ोन तो वैसे ले जाने नहीं देंगे, मना कर रखी है। तो आज तो वीडियो तो वहीं पर बिल्कुल नहीं बनेगा, वीडियो मैं अंकल के यहाँ पर रखूँगा, क्योंकि वहाँ पर वापस 2 बजे आऊँगा, तो 2 बजे वापस लोग स्टार्ट करूँगा। तो अभी एक बार चलते हैं। तो गए जाओ, फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ बास के घर पे। तो बास बेटा, और ये रहा उसका टोनी। तो भाई ये है भरत, जो कि मेरे साथ अभी वीडियो नहीं बनवाना चाहता। और फिलहाल देखो सभी जने बैठे हैं यहाँ पर। तो गाइस अब फिलहाल शाम की 4 बजे, और अब जाके मैं घर पे आया हूँ। तो आते ही पूनम यहाँ पर तो बिस्तर सिल रही है, अभी फिलहाल देख ली फोन देखते देखते। तो गाइस आज मेरे साथ क्या घटना घटी, जो कि मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल मैं तो गया था, जो कि अपने कुत्ता वो टॉमी था, टॉमी देखा बीच में, 2-3 लोग थे, वो सब मेरे भाई थे, वहां पर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया अच्छी तरीके से। तो फिलहाल कोई बात नहीं, अब फिलहाल मैं तो आ चुका हूँ घर पे। तो एक बार घर पे आते ही खाना तैयार है थोड़ा बहुत, एक बार वैसे भूख तो नहीं लग रही, तो अभी खा लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो आज मेरे साथ क्या घटना घटी, जो कि मैं अभी बताऊंगा। तो भाई मेरे साथ घटना ये घटी कि जो जैसे मैं वहाँ PTT का एग्जाम देने गया पहुँचा, तो वहाँ पर जाते बहुत सारे लोग थे, क्योंकि थोड़ी बहुत घबराहट होने लगी वहीं पर। तो फिलहाल तो थोड़ा बहुत डर कम हुआ, फिर गया जैसे ही ऊपर जाते ही, मैंने ये वाला शर्ट पहना था पूरी लंबी बाह वाला, वहां पे जाते उन्होंने कहा लंबी बाह वाला नहीं चलेगा, शॉर्ट वाला लाओ। तो वहां पास ही में था अंकल का घर, सीधा अंकल के घर पे चला गया, शॉर्ट वाले ये वाला शर्ट वहीं पर रख दिया, शॉर्ट वाला पहन के आ गया। पहन के जैसे वहां पास में ही थी आलोक स्कूल, तो सीधे वहीं पर जैसे पहुंचा, तो वहां पर चाहिए था एक तो प्रवेश पत्र और आधार कार्ड अपनी ID बताने के लिए, और एक शॉर्ट फोटो जैसे पासपोर्ट साइज फोटो। मैंने आधार जिससे प्रवेश पत्र ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, पर पासपोर्ट से फोटो लेने में भूल गया। तो वहां पर जैसे पूछा, तो वही अभी वहां पर जैसे मैंने सर से पूछा कि सर चलेगा नहीं चलेगा, सर ने मना कर दिया, सर चलेगा ही नहीं। तो उसी वजह से मैं PTT की परीक्षा दे नहीं पाया। वैसे कोई बात नहीं, वैसे मेरे सुबह सुबह ही देने की मर्जी तो नहीं थी, मैं मेन तो परीक्षा देनी थी BSTC की,
ये पीटीटी की सिर्फ मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए ले रहा था। वैसे पढ़ाई बहुत कर ली, ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए पीटीटी का एग्जाम दे रहा था। मेन बीएसटीसी का मुझे एग्जाम देना है, जो कि उसमें मेरे को टीचर बनना, आगे जाके अपना फ्यूचर सुधारना, भविष्य बनाना, तो इसीलिए। तो कोई बात नहीं, आज का एग्जाम वैसे सोच कर ले चुक गए। और अगली बार 30 तारीख को जो कि बीएसटीसी का एग्जाम है, उसमें फुल तैयारी करके अच्छी तरीके से पेपर देना होगा। तो ये घटी मेरे साथ घटना, तो एक बार कोई बात नहीं। वैसे आज दुखद ऐसे ही है, बाकी ऐसा दुख तो नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो फिलहाल ये तो फोन देख ही रही है, आज पूड़ी और दाल है, तो एक बार जल्दी से खाना खाते हैं। तो गाइस अब फिलहाल अंधेरा हो चुका है, तो अब मैंने पूरी बीएसटीसी की पढ़ाई कर रहा था फुल। और फिलहाल पूनम तो यहाँ पर कर रही है अपने आटे की गूंथाई, जो कि भी रोटी बनाएगी। तो फिलहाल मम्मी भी यहाँ पर काम कर रही है और पापा देख बात कर रहे हैं फोन पे। तो गाइस अब फिलहाल पापा मम्मी तो अंदर खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ पर बाहर ठंडी ठंडी हवा में बैठा हूँ, क्योंकि एकदम बारिश हुई थी तो पूरा ठंडा ठंडा माहौल है। तो गाइस बाहर सोएंगे, पर मच्छर काफी ज्यादा है तो पंखा लगाएंगे उसके लिए। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ टोनी से मस्ती, जो कि कुछ थोड़े दिन हुए जो कि ज्यादातर मस्ती करने लगा है, एक दो दिन हुए, इतनी ज्यादा मस्ती करता है भाई ये। अभी देखो अभी शांत है टोनी, मैं देखो अभी खेलने लग गया। तो फिलहाल वीडियो एडिटिंग भी कम्प्लीट हो चुकी है, तो वीडियो बैन करते हैं। तो आई होप गाइस का लोग आप सभी को पसंद आएगा, पसंद आए वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।